स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। इस वीडियो में दोस्तों बताएंगे कि तिरछे फोटो को आप सीधा करके कैसे आप उसको प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए एक हमारा जो है सो व्हाट्सअप से आया हुआ जो फोटो है वो दोस्तों किस तरह से खींचा हुआ है, जो काफ़ी ज़्यादा टेढ़ा है। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि इसको बिल्कुल आपको कैसे सीधा करना है। बिल्कुल ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होता है उसके साइज में आपको इसको कैसे करना है वही मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ये वाला जो हमारा डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे देखिए कितना ज़्यादा ये टेढ़ा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा दोस्तों ये हमारा जो डॉक्यूमेंट है वो टेढ़ा है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, तो ये देखिए ये डॉक्यूमेंट कितना ज़्यादा टेढ़ा है और इसमें कुछ कुछ चीज़ें जो है सो ब्लर किया गया है। वो दोस्तों मैं पर्सनल रीजन के कारण किया हूँ, लेकिन आज का हमारा जो मेन मकसद है, जो मेन फोकस है दोस्तों, कंटेंट है वो है कि इसको सीधा में कैसे करेंगे। तो चलिए दोस्तों आपको स्टेप बाय स्टेप बताएंगे कि डॉक्यूमेंट को आपको कैसे सीधा करना है। इससे दोस्तों आपका कोई भी डॉक्यूमेंट है आप बिल्कुल इजीली तरीके से उसको सीधा कर सकते हैं, उसमें आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। तो यहाँ पे दोस्तों हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये दोनों डॉक्यूमेंट को फोटोशॉप में खोलेंगे। तो चलिए यहाँ से हम एडोब फोटोशॉप को पहले खोल लेते हैं। एडोब फोटोशॉप दोस्तों अगर आप डाउनलोड नहीं किए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल में जाके और एडोब फोटोशॉप 7.0 को डाउनलोड कर सकते हैं, जो कि दोस्तों बिल्कुल फ्री है। तो चलिए अब हम यहां से अपना जो भी हमारा डॉक्यूमेंट है उसको हम फोटोशॉप में लाएंगे, फिर वहां से ओपन करके और उसको सीधा करेंगे बिल्कुल अच्छे तरीके से। तो चलिए हम थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, तब तक हमारा जो सो एडोब फोटोशॉप जो है सो ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारा ये फोटोशॉप जो है सो ओपन हो गया है। अब हम दोस्तों इसमें क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ ओ दबाएंगे और हमारा जो भी डॉक्यूमेंट है वो हम इसमें अब ओपन करेंगे। तो चलिए यहाँ से हम कंट्रोल ओ दबा दिए हैं, अभी ये हमारा जो है डॉक्यूमेंट है डेस्कटॉप में। तो चलिए इसमें हम डेस्कटॉप में क्लिक किए और डेस्कटॉप में क्लिक करने के बाद हमारा सारा जो है डॉक्यूमेंट अभी यहाँ पर आ जाएगा। ये थोड़ा लोडिंग हो रहा है, ये यहाँ पर देखिए एक डॉक्यूमेंट हमारा ये है और दूसरा एक ए है। तो दोस्तों मैं शिफ्ट दबा के दोनों डॉक्यूमेंट को मैं इधर लेके आ गया हूँ फोटोशॉप में। अभी ये लोडिंग होगा और थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है क्योंकि हमारा लैपटॉप थोड़ा स्लो चल रहा है। यहाँ पे देखिए दोस्तों ये हमारा फोटो है, इसको पहले सबसे पहले सीधा करना है। तो सीधा करने के लिए यहाँ पर देखिए यहाँ पर हम क्लिक करेंगे इस वाले वे बॉक्स में। अभी हम इसको सीधा करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पर जाएंगे क्रॉप टूल में और क्रॉप टूल में जाने के बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए विथ और हाइट वगैरह आपको कुछ भी नहीं रखना है, इसको पूरा क्लियर आपको कर देना है, रेजुलेशन भी कुछ नहीं रखना है। उसके बाद हमारा जो ये फोटो है ये देखिए कितना ज़्यादा जो सो टेढ़ा लग रहा है देखने में। तो वो अब इसको सीधा करने के लिए हम यहाँ से जो सो क्रॉप वाला टूल लेंगे और यहाँ से इसको क्रॉप करेंगे। तो यहाँ से हमारा जो क्रॉप टूल है वो ओपन हो गया है। अब हम इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे और इसको हम कुछ इस तरह से नीचे से इस तरह से हम क्रॉप कर लेंगे। यहाँ पे देखिए हमारा जो है सो इस बॉक्स में हमारा पूरा डॉक्यूमेंट जो है सो आ जाना चाहिए। अभी इसको हम यहाँ से टिक में क्लिक करेंगे तो ये हमारा जो है सो डॉक्यूमेंट इतना जो है सो क्रॉप हो गया है। अभी दोस्तों हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ये लॉक लगा है, तो सबसे पहले इस लॉक को यहाँ से हटा लेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। लॉक हटाने के लिए यहाँ पर डबल क्लिक करना है, उसके बाद ओके करना है, तो ये लॉक हट जाएगा। अभी देखिए ये हमारा डॉक्यूमेंट को बिल्कुल सीधा करना है क्योंकि अभी भी ये टेढ़ा है। तो इसको सीधा करने के लिए आपको क्या करना है, कंट्रोल के साथ टी दबाना है और जैसे ही आप कंट्रोल के साथ टी दबाएंगे तो यहाँ पे कुछ इस तरह से चारों साइड ये हमारा जो है सो बॉक्स जैसा बन के आ जाएगा लाइनिंग लाइनिंग। अभी क्या करना है, यहाँ पे देखिए इसका कोना पकड़ना है और सबसे पहले आपको कंट्रोल दबाना है अपने कीबोर्ड से और इसको जो सो कोना पकड़ के इस तरह से यहाँ पर ले कर आना है। अभी देखिए दोस्तों मैं जिस तरह से कर रहा हूँ उस तरह से आपको भी करना है, तो ये हो जाएगा। और फिर जो है सो कंट्रोल को दबाए रखना है, इसका कोना भी थोड़ा सा उठा लेना है। अभी आपको क्या करना है, यहाँ पे नीचे भी जो है सो कंट्रोल के साथ दबाएंगे और यहाँ पे इसको सीधा इस तरह से कर लेंगे। तो ये देखिए दोस्तों ये हमारा डॉक्यूमेंट सीधा हो गया है। अब आपको यहाँ क्या करना है, इस टिक वाला आइकन में क्लिक कर देना है और जैसे ही आप टिक वाले आइकन में क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको फिर से एक बार डॉक्यूमेंट को यहाँ से क्रॉप कर लेना है कुछ इस तरह से। आप जितना इसमें टाइम लगा के काम करेंगे उतना अच्छा आपका रिजल्ट आएगा निकल के। तो अभी देखिए दोस्तों ये हमारा बिल्कुल अच्छे से सीधा हो गया है, लेकिन कहीं कहीं पे थोड़ा बाकी है। तो हम क्या करेंगे, फिर से कंट्रोल के साथ टी दबाएंगे और फिर से हम वही प्रोसेस करेंगे।
हल्का सा कंट्रोल को दबाएंगे और यहाँ से जो है सभी कोना को हम बराबर अच्छे तरीके से मिला लेंगे ताकि हमारा फोटो जो है कहीं से भी टेढ़ा वगैरह नहीं रहे। ये देखिए दोस्तों, हमारा फोटो बिल्कुल जो है अच्छे तरीके से हो गया। अब हम इसको टिक में क्लिक करेंगे और यहाँ से हम फिर से इस वाले क्रॉप टूल में जाएंगे और यहाँ से इस तरह से हम इसको पूरा जो है क्रॉप कर देंगे। पूरा क्रॉप करने के बाद दोस्तों ये हमारा फोटो देखिए, हमारा फोटो देखिए पहले किस तरह था, इस तरह से था पूरा टेढ़ा जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। और अभी देखिए दोस्तों ये हमारा बिल्कुल जो है सीधा हो गया है। अभी हम क्या करेंगे, सेम टू सेम इसी तरह से हम दूसरे वाले फोटो को भी सीधा कर लेंगे और यहाँ पर प्रिंट के लिए भेजेंगे। प्रिंट को के लिए भेजने के लिए दोस्तों यहाँ से इसका क्वालिटी भी आप चाहिए तो कम ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों हमारा जो मेन टॉपिक था वो है फोटो को सीधा कैसे करना है। तो देखिए दोस्तों ये हमारा जो है बिल्कुल आधार कार्ड के साइज में हो गया है। और अगर आपको आधार कार्ड का ओरिजिनल साइज में लेके आना जाना है तो आपको क्या करना है, अल्ट के साथ आपको दो बार आई आई प्रेस करना है और यहाँ से देखिए इसको आपको यहाँ पे ये दो बॉक्स मिलेगा, तो पहला वाला जो है अनटिक रहना चाहिए और दूसरा वाला टिक रहना चाहिए। तो रेजुलेशन में आपको 300 डाल देना है और हाइट में आपको 2.1 डाल देना है और ये जो हमारा विथ है इसमें 3.3 डाल देना है। तो ये देखिए दोस्तों, ये जो हमारा परफेक्ट जो है सो आधार कार्ड का साइज है। आप चाहिए तो इसका स्क्रीनशॉट मार के भी रख सकते हैं ताकि आप कभी भी जो है सो भूलेंगे नहीं, और अगर भूल भी जाएंगे तो स्क्रीनशॉट देख लेंगे तो आपको याद आ जाएगा। तो यहाँ पे ये हमारा देखिए ये आधार कार्ड का साइज है। अब हम यहाँ पे ओके जैसे ही किए तो देखिए ये हमारा बिल्कुल आधार कार्ड का साइज में बन के आ गया है। तो चलिए अब हम दूसरा वाला डॉक्यूमेंट को इसी तरह से सीधा करेंगे। तो ये देखिए हमारा दूसरा वाला जो डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पे है। तो अभी हम इसको भी जो है सो क्रॉप करके और सीधा करेंगे। तो यहाँ से हम पहले सबसे पहले क्रॉप टूल में जाएंगे और इस तरह से इसको हम क्रॉप कर लेंगे जिस तरह से मैंने उस डॉक्यूमेंट को क्रॉप किया था, और यहाँ से हम इसको टिक कर देंगे। और फिर से दोस्तों वही हम प्रोसेस करेंगे। यहाँ पे देखिए लॉक लगा है, तो इसमें डबल क्लिक करके और यहाँ पे ओके करेंगे तो हमारा लॉक जो है सो हट जाएगा। फिर हम जो है सो कंट्रोल के साथ टी प्रेस करेंगे और इसी तरह से हम जो है सो कंट्रोल को दबा के रखेंगे और ये जो है सो चारों कोना जो है सो हम चाहे ये सब कोने से इस तरह से माउस का राइट बटन दबाते हुए और सभी को दोस्तों यहाँ पर हम मिला लेंगे कुछ इस तरह से। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा जो है सो ये मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, फिर से इसको लेंगे और यहाँ से इसको क्रॉप इस तरह से कर देंगे। तो देखिए दोस्तों ये भी हमारा बिल्कुल जो सो फोटो क्रॉप हो गया है और ये फोटो देखिए पहले कैसा था और अभी कैसा हो गया है। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ ज़्यादा जानकारी मिला होगा दोस्तों तो आप हमको कमेंट कीजिए, और आपका कोई भी मन में कन्फ्यूजन है तो वो भी कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर से दे दूंगा। तो चलिए दोस्तों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।